एवरीवन, मैं निशा, वेलकम टू निशा मैकओवर। सो आज फिर मैं आप लोगों के लेके आई हूँ काफ़ी टाइम के बाद आइस कट क्रीज मेकअप। सो स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, फुल ट्यूटोरियल आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करना, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर देना। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ये आई मेकअप काफ़ी सिंपल है और बहुत कम प्रोडक्ट इसको करने में लगते हैं, तो आपको टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है प्रोडक्ट की। ते हैं हम अपने आई मेकअप की तरफ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आज मैं आई मेकअप टेप लगा के करने वाली हूँ। पेपर टेप का इस्तेमाल कर रही हूँ, उसमें चिपकन भी ज़्यादा नहीं होती है और आप इससे आई मेकअप में इससे एक फिनिशिंग आ जाती है, एक प्रॉपर शेप आपको मिल जाएगा। और आप जल्दी में हो ना तो आप इस टेप लगा कर ही काम करना, आपके काम में फिनिशिंग भी आ जाएगी और जल्दी भी हो जाएगा। तो मैंने ये हुडा की पैलेट किट ली है, ये मेरी फेवरेट पैलेट, ट्रांजिशन कलर के मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाला कलर। ब्रश आप कोई भी ले लो पर वो ब्लेंडिंग उससे अच्छी होनी चाहिए। मैं ये वाला ब्रश ले रही हूँ। आई मेकअप करना बहुत इजी होता है, बहुत आसान होता है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है और आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपके काम में उतनी फिनिशिंग आती चली जाएगी। आपको ब्लेंडिंग अच्छे से करनी है, मेकअप में ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। जितनी अच्छी आपकी ब्लेंडिंग होगी आपका मेकअप उतना सुंदर दिखेगा, फ्लॉलेस दिखेगा। आपको तब तक ब्लेंड करना है जब तक आपको जो कलर चाहिए वो नहीं मिल जाता, तब तक आपको ब्लेंड ही करना है, अच्छे से ब्लेंड करना है, हल्के हाथों से ब्लेंड करना है। ब्लेंड करने का एक ईजी तरीका बताऊं मैं आपको, क्लॉकवाइज इन क्लॉकवाइज। बस ये स्टेप आप याद रखो, आपका मेकअप बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, आप लोग बोर हो जाते क्योंकि ब्लेंडिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, आप लोग समझ ही सकते हो। ये पूरी वीडियो 10-15 मिनट की थी, इसको मैंने कट कर करके स्पीड बढ़ा बढ़ा के 6 मिनट की बना दी है। अब बना रही हूँ मैं अपनी आईब्रोज, जो बना रही हूँ मैं जेल लाइनर से। ये मैं पहले बनाती हूँ, अभी मैं भूल गई थी। उसके बाद हम बाकी का आई मेकअप कंप्लीट करेंगे। आप अपने हिसाब से आईब्रो की शेप दे सकते हो, मुझे मोटी पसंद है तो मैं मोटी बनाऊंगी, आप लोगों को पतली पसंद है तो आप पतली बना सकते हो। आई मेकअप के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ जेल लाइनर, आप नॉर्मल काजल भी यूज़ कर सकते हो। प्रैक्टिस में तो आप लोग प्रोडक्ट को मत देखो, आप लोग जितने सस्ते हो सकते हैं उससे प्रैक्टिस करो, क्योंकि मेकअप करना आना चाहिए। प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं करता कि आप महंगे यूज़ कर रहे हो सस्ते यूज़ कर रहे हो। मेकअप में जितनी प्रैक्टिस आप लोग करोगे आपके हाथ में उतनी ज़्यादा फिनिशिंग आएगी। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा मेरे चैनल पे ज़्यादातर वीडियोस पड़ी हैं आई मेकअप की। मैंने आई मेकअप अपने हाथ पर ही करके सीखा है, सो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। मैंने एक आईब्रो की शेप बना ली है, अभी इतनी काफ़ी है। लास्ट में मैं इसके ऊपर लिक्विड लाइनर से हेयर बनाऊंगी, उससे आईब्रोज रियल लगती हैं। अभी अपन बाकी का आई मेकअप कंप्लीट कर लेते हैं। सेकंड कलर ले रही हूँ, पिंक कलर। आपको क्या करना है, आई शेडो का कलर लेना है, उसको डायरेक्ट ऐसे अप्लाई नहीं कर देना, उसमें प्रोडक्ट ज़्यादा आ जाता है कम आ जाता है, तो उसको ऐसे लेके हल्का, वो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट रिमूव हो जाता है।
आप लोग यहाँ पे ब्लैक कलर भी डाल सकते हो, पर मुझे ये रानी कलर ही चाहिए था तो मैं इसी से कर रही हूँ। ब्लैक कलर डाल के आप लोग एक स्मोकी आइस का लुक भी दे सकते हो, वो भी बहुत अच्छा लगता है और आजकल बहुत ट्रेंडिंग में भी है वो। पर मैं वो आइस काफ़ी बार बना चुकी हूँ तो मैंने सोचा आज ये वाली आइस ड्रॉ करती हूँ। मुझे जो कलर चाहिए था वो मिल गया है तो मैं अब इसको बस इतना ही ब्लेंड करूँगी, उसको यहीं पर छोड़ दूँगी। जैसे मुझे आई शेडो की शेप थोड़ी एकदम स्ट्रेट लग रही थी तो मैं इसको थोड़ा शेप दे रही हूँ। अगर आप लोग इसके ऊपर भी कलर देना चाहते हो, ऐसा नहीं है कि हम बाद में नहीं दे सकते, आप बाद में भी कलर दे सकते हो, जैसे येलो कलर दे सकते हो, ब्राउन कलर दे सकते हो। करूंगी अपनी कट क्रीज, तो मैं हाफ कट क्रीज बनाने वाली हूँ तो मैं यहाँ से ड्रॉ करूँगी। मैंने एक वाइट कलर का कंसीलर पैलेट के मेरे पास रखी हुई थी, एक्स्ट्रा थी, मैं उसको यूज़ नहीं करती हूँ मेकअप में, सो मैं उसको प्रैक्टिस में ले लेती हूँ। आप लोग भी कट क्रीज वाइट कलर से बनाओ तो ज़्यादा अच्छा है। मेरे पास वो दूसरी वाली भी है पर मैं वाइट कलर ज़्यादा यूज़ करती हूँ कट क्रीज के लिए, क्योंकि वाइट कलर के ऊपर कलर उभर के आता है और वो काफ़ी अच्छी भी लगती है। आपको ऐसे नहीं ब्रश चलाना है, आपको ऊपर से नीचे को छोड़ना है ऐसे। आइस पे कट क्रीज बनाने का तरीका दूसरा भी होता है पर मैं हाथ पे बना रही हूँ तो मैं ऐसे ही बताऊंगी। ऊपर मैं एक बार आई शेडो का कलर दोबारा से दूंगी। तो आप उसको ऐसे दोबारा भी कर सकते हो। क्रीज हमारी बन गई है और अब कंसीलर से बनाई है तो इसको हम, ये नहीं कि हम इसको ब्लेंड नहीं करेंगे, हमें ये मिनी ब्लेंडर आते हैं ना, आप इससे इसको हल्का हल्का ब्लेंड करना है, कट क्रीज खराब ना हो इस बात का हमें ध्यान रखना है। बस हल्के हाथों से ब्लैश को ब्लेंड कर देना है और एक कलर आता है आई शेडो पैलेट किट में स्किन के कलर का, आप उससे इसको सेट कर देना, जैसे मैं कर रही हूँ। मैं कट क्रीज को इस कलर से सेट करूँगी। हमारे आईज अभी सेट हो गई है तो हमने कट क्रीज ड्रॉ की है, मैं उसके ऊपर लगाऊंगी ये हाइलाइटर। ये हाइलाइटर एक पाउडर फॉर्म में आता है, आप इसको स्किन के लिए भी यूज़ कर सकते हो पर मैं इसको हाइलाइटर के लिए इस्तेमाल नहीं करती हूँ, मैं इसको आई मेकअप के लिए इस्तेमाल करती हूँ। इसको काफ़ी अच्छी कवरेज है इसकी, तो आप लोग भी इसको ले सकते हो, इसका नंबर वन है, ले सकते हो आप लोग भी इसको, अच्छा है। हाइलाइटर इसने निकाल लिया था, आपको मैं इसकी कवरेज दिखाती हूँ। ये देखिए काफ़ी अच्छी कवरेज है इसकी, आप लोग इसको हाइलाइटर पे भी यूज़ कर सकते हो, स्किन पे लगा सकते हो, काफ़ी अच्छा है। पर ये एकदम गोल्डन है ना, तो हाइलाइटर एकदम गोल्डन अच्छा नहीं लगता, वो आइस पर ही अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं आइस पे के लिए यूज़ करती हूँ। इसको ब्रश से भी लगा सकते हो पर फिंगर से बहुत अच्छा ब्लेंड होता है, तो अब मैं फिंगर से लगा रही हूँ, आप लोग फिंगर से भी लगा सकते हो और ब्रश से भी लगा सकते हो, आपकी चॉइस है वो। एकदम से स्ट्रेट लाइन हमें इसको हाइड करना है तो हम इसी आई शेडो से इसको हाइड करेंगे। अब हम लगाने वाले हैं लाइनर। अब मैं बना रही हूँ लिक्विड आईलाइनर से आईलैशेस।
पीछे से मैंने लैशेस बनाई नहीं है क्योंकि वहाँ पे टेप लग रहा था, अब मैं उसको कंप्लीट करूँगी। अब मैं बना रही हूँ लिक्विड आइनर से आईब्रोज के हेयर, जिससे हमारी आईब्रोज एकदम रियल लगती है। अब आ जाते हैं अपने लास्ट स्टेप पर। एक पैलेट किट में से मैंने सिल्वर कलर का शिमरी आई शेडो लिया है, जो मैं अपने इनर कॉर्नर पर अप्लाई कर रही हूँ और आईब्रोज के नीचे। अब लगाने जा रहे हैं हम अपने आई मेकअप। ऑलमोस्ट हमारा आई मेकअप डन है, बस उस पर ग्लिटर की कमी है, वो हम लगाने जा रहे हैं। मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और ग्लिटर मिक्स करने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया ही है। आप लोग देख सकते हैं आई मेकअप ऑलमोस्ट डन है। जो छोटी मोटी कमी होगी वो आप लोग देखते रहना एंड उनको साथ ही साथ क्लीन करते रहना, और जो फालतू का डस्ट है आप उसको एक ब्रश की हेल्प से क्लीन कर देना। ये आई मेकअप वीडियो में कुछ भी नहीं दिख रहा है, रियल में सीरियसली गाइस बहुत सुंदर दिख रहा है। तो आपको ये मेरा इजी मेथड पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।